अगर आप अयोध्या के राम मंदिर को देखने आते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन लग जाएगा राम मंदिर और अयोध्या को घूमने या तो देखने में। आइए जानते हैं विस्तार में अयोध्या और राम मंदिर के बारे में। अयोध्या जाने के लिए बस, ट्रेन और प्लेन की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी फ्यूचर में। लोग फ्यूचर में प्लेन का भी इस्तेमाल कर सकता है अयोध्या आने में। राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर पर एक बस स्टैंड बनाया गया है जो लगभग 14 बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ है। रेलवे स्टेशन, आने वाले समय में मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पे नया स्टेशन बनाया जाएगा जो भविष्य में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, नागपुर, कोलकाता, लखनऊ, जम्मू जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए विशेष ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। हवाई अड्डा, 1450 करोड़ की लागत में लगभग 1300 बीघा में फैला हुआ है जो प्रयागराज हाईवे पर नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट से राम मंदिर की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर ही है। भविष्य में राम मंदिर को देखने के लिए बड़े बड़े शहर और अलग अलग देशों से लोग प्लेन से आ सकते हैं। भविष्य में प्लेन का सुविधा तो उपलब्ध हो ही जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा देखने या घूमने की जगह बहुत है जिसे फ्यूचर में और भी बेहतर बनाया जाएगा। राम मंदिर की बनाने की लागत 1800 करोड़ है और इस राम मंदिर को ऐसा बनाया गया है, लोग इस पे दावा करते हैं कि ये मंदिर हजारों साल तक सही सलामत रहेगा। मंदिर लगभग 251 बीघा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राम मंदिर घूमने के बाद आप हनुमानगढ़ी जा सकते हो, मंदिर से सिर्फ 1800 ही मीटर दूर है। राम की पेड़ी, अयोध्या को सरयू नदी के बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध को बनाया गया था। अब इस नदी पे घाट भी बना दिया गया है श्रद्धालु लोगों के स्नान करने के लिए। अयोध्या को बाढ़ से बचाने के लिए कई बड़े बड़े टीले को बनाया गया था जैसे कि राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। आज ये टीला मुख्य पर्यटन का एक भाग बन चुका है। हाल ही में लता मंगेशकर चौक का निर्माण करवाया गया है जिसका लागत 6.7 करोड़ है। रोड के दोनों तरफ कुछ इस प्रकार पिलर लगाया गया है और इस रास्ते को धर्मपाद का नाम दिया गया है। ओम जय श्री राम।